दिल्ली में कल से हो रही बारिश के बाद दिल्ली सरकार और एजेंसियों के विकास कार्यों की पोल खुलकर सामने आने लगी है। रोहिणी जिले के बुद्ध विहार नाले के साथ बनाई गई सड़क धस गई, जिससे स्थानीय लोगों में हादसे का भय बना है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों ने इलाके की बैरिकेटिंग भी की ताकि कोई वाहन चालक या राहगीर हादसे का शिकार ना हो। तो वहीं पुलिस ने लोकल एजेंसियों को सूचित कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़क को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कुछ दिन पहले ही बनाया था, लेकिन सड़क बनाते समय ठेकेदार ने घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया। ये बुद्ध विहार फेस वन का है और ये नाले वाले रोड है। ये कम से कम इसको 10 साल हो गए इस सड़क को बनते हुए, या इस साइड का ये जो दीवार है ये बार बार बनाई जाती है और कभी भी ढंग से पूरी हुई, और अब एक हफ्ते पहले ये सड़क बनाई गई है जो अभी धस गई है। एक हफ्ते में ये हाल है सड़क का। अभी 7 दिन पहले दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग ने करोड़ों रुपये लगा के सड़क बनाई। सड़क तो बही सो बही, वो पूरा सड़क और लोगों का घर अब ये समझिए इस नाले में जाने के कगार पे है। वो तो भगवान महादेव का शुक्र है, सावन का महीना है, कि किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुई है। कई लोगों को गाड़ी वगैरह कुछ डैमेज हुआ है।